आज हम सीखना चाहते हैं कि कैसे हमें हेडर फाइल्स बनानी पड़ती हैं। हम कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हम कोड बॉक्स में वर्क करें, तो वहाँ पे एक फाइल में एक न्यू और एम्प्टी फाइल ऑप्शन होता है। तो फाइल में जाके हमने कहा न्यू और एम्प्टी फाइल, ठीक है। अब इसे सेव कर लेते हैं। टेक्निकली इसे कहीं भी सेव कर सकते हैं, लेकिन अभी सिंपलिसिटी के लिए मैं इसे डी ड्राइव में सेव कर रहा हूँ। हालांकि मेरे कई दोस्तों के सिस्टम में कुल एक ही ड्राइव होती है सी ड्राइव, तो उसके इसमें सी ड्राइव भी पिक कर सकते हैं, लेकिन मेरे में क्योंकि मल्टीपल ड्राइव्स हैं तो आई प्रेफर डी ड्राइव। अब यहाँ पे मैं फाइल का नाम देना होगा, तो हम टेक्निकली किसी भी नाम से हेडर फाइल बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने हेडर फाइल का नाम कह दिया techdev.h। अब अगर आप अपने नाम से बनाना चाहें तो आप अपने नाम से भी हेडर फाइल बना सकते हैं, बस पहचान है कि उससे एक्सटेंशन हम क्या देते हैं .h टू रिप्रेजेंट हेडर फाइल। लेकिन यहाँ पे मैं टेक्निकली नाम क्या दे रहा हूँ, techdev.h। अब हम इसमें कुछ कोडिंग टाइप करनी होगी। तो हमने लास्ट टाइम सीखा था, तो जो हमने 2 नवंबर को कोडिंग सीखी थी वही कोडिंग है। बस अब हमें कोडिंग कहाँ रखनी है फ्रेंड्स, हेडर फाइल के अंदर। अगर हम देखें तो इसका नाम है techdev.h। तो पहले हमने सीपीपी फाइल में रखा था, हमने इसे हेडर फाइल में रखा हुआ है। अब इसे फिर से एक बार सेव कर लेते हैं। अब भविष्य में हम कुछ और भी फंक्शन सीखेंगे। अब आगे चल के हम पढ़ेंगे C++ प्रोग्रामिंग। तो जैसे जैसे सी में फंक्शंस बनते हैं, वैसे ही C++ में क्या बनती है, क्लास, ठीक। तो आगे चल के हम इसमें और भी फंक्शंस ऐड कर सकते हैं। तो सिंगल हेडर फाइल के लिए एनी नंबर ऑफ फंक्शंस। अच्छा, अब हमें फिर से एक नई फाइल बनानी पड़ेगी, लेकिन अब उसकी फाइल का नाम हम कह देंगे CPP फाइल। तो हमने फिर से फाइल में जाके कहा न्यू और एम्प्टी फाइल। अब इसे सेव कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा लोकेशन सेम होनी चाहिए। जैसे आप देखिए हेडर फाइल मैंने जहाँ सेव की वहीं मैं प्रोग्राम को सेव कर रहा हूँ, और मैं इसका नाम दे रहा हूँ लेंथ एग्जाम्पल। हालांकि हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन स्पीड CPP। अब पहले क्या होता था कि हम कोडिंग टाइप करते थे, अब हम कोडिंग टाइप नहीं करेंगे। हम सिंपली कंप्यूटर से क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि कंप्यूटर जब आप हमारी कोडिंग को कंपाइल करें तो कृपया करके किसको ऐड कर दीजिए, ऑल्सो ऐड कोड ऑफ दिस फाइल ड्यूरिंग कंपाइलेशन। तो पहले जहां हमें बार बार कोडिंग लिखनी पड़ती है, अब हमें बार बार कोडिंग नहीं लिखनी है, हमने हेडर फाइल को इंक्लूड कर दिया। अब फ्यूचर में हम इसमें कुछ और भी फंक्शन ऐड कर देंगे, जैसे function 1, function 2, function 3। तो जितने भी फंक्शन हम ऐड करेंगे वो फंक्शन हम यहाँ पर भी यूज़ कर पाएंगे। तो कंक्लूजन निकला कि हेडर फाइल में कंटेंट सेव करने के बाद हम उन्हें कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमें एक हेडर फाइल यहाँ पे और ऐड करनी है। कौन सी है, अब STDio इसलिए क्योंकि हमें प्रिंटफ स्कैनफ का यूज़ करना है। अगर हमें प्रिंटफ स्कैनफ रिक्वायर्ड नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं थी हमें। और कॉन्स्ट इंट साइज इक्वल टू 20। जहाँ तक मेन प्रोग्राम की बात है, तो मेन प्रोग्राम अब वैसे ही रहेगा जैसा हमने कल बनाया था। बस हमने यहाँ पे मेन प्रोग्राम पिक किया और उसको हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। हालांकि मैं फिर से टाइप भी कर सकता हूँ, लेकिन अंडरस्टूड की सेम वैसे रहेगा कि हमने एक साइज बना दिया, यूजर से स्ट्रिंग पूछा और हमने किस फंक्शन को कॉल किया, स्ट्रिंग लेंथ को। लेकिन अभी स्ट्रिंग लेंथ कहाँ बना हुआ है, हेडर फाइल के अंदर। तो अब देखिए कोडिंग कितनी कॉम्पैक्ट हो गई। एंड नाउ दिस वन इज एब्स्ट्रैक्शन, नो बैकग्राउंड डिटेल्स। तो जो भी हमारा मेन फंक्शन है उसे ये सोचने की जरूरत नहीं कि मैंने स्ट्रिंग लेंथ की कोडिंग क्या की हुई है, उससे बस स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन को इन्वोक करना है, यानी कॉल करना है। इस लॉजिक को यहां से मैं कॉपी करके यहां पेस्ट कर देता हूं। अब हमें रन करना है फ्रेंड्स, तो रन कैसे करेंगे, कभी भी हेडर फाइल कंपाइल नहीं होती है, तो हम जाएंगे किस मेनू में, बिल्ड मेनू में, और वहां पे एक ऑप्शन है कंपाइल, हम कंपाइल करेंगे।
और फिर बिल्ड मेनू में एक ऑप्शन क्या है, रन। इसे हम स्टेप 9 दे देते हैं, बिल्ड मेनू में रन। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, हेडर फाइल कैन नॉट बी कंपाइल्ड, डायरेक्टली और एग्जीक्यूटेड। वी ओनली हैव टू कंपाइल रन डॉट सीपीपी फाइल, क्योंकि हेडर फाइल तो हम ऐड करते हैं, वो कंपाइल नहीं होती। तो अब इसे कंपाइल किया जाए हमारी सीपीपी फाइल को, और हम देखिए यहाँ पे कोई भी वार्निंग्स नहीं है, कोई भी एरर नहीं, तो इसे हम रन कर सकते हैं। तो अब हमें कोई नेम इनपुट करना है, कोई स्ट्रिंग इनपुट करनी है, तो हमने इनपुट किया मिसिसिपी। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो चैनल पे, तो एक वीडियो में हमने मिसिसिपी का भी एग्जांपल दिया हुआ है। तो सिस्टम कह रहा है कि मिसिसिपी में कितने लेटर्स हैं, 11 लेटर्स हैं। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल वर्क कर रहा है। अब फ्यूचर में हम जितने भी फंक्शन सेट करेंगे, हमें हेडर फाइल में ऐड करते जाना है। फ़ायदा क्या होगा कि जिस भी प्रोग्राम में आपको ये फंक्शन रिक्वायर्ड हो, आपको फिर से फंक्शन नहीं बनाना पड़ेगा, आपको सिंपली उस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में ऐड करना होगा। अब यहाँ पे कैंपस क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ पे कैंपस क्वेश्चन था कि हमने यहाँ पे डबल कोट्स को यूज किए, व्हाई डबल कोट्स आर यूज्ड विथ इंक्लूड फॉर यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स। तो आंसर क्या है दोस्तों, when both .h and .cpp files are inside same folder, we have to use double quotes. Double quotes tells the compiler that search the specified header file. Inside the same folder where .cpp file is stored, just saved. If not found, then search inside include folder of the compiler. हमारे कंपाइलर में एक इंक्लूड फोल्डर होता है दोस्तों, बाद में फिर वो उसमें सर्च करता है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे मैं यहां पे भी डबल कोट्स लगा देता हूं। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन बन रही है, इस पॉइंट को पढ़ें। डबल कोट्स टेल द कंपाइलर दैट सर्च द स्पेसिफाइड हेडर फाइल इनसाइड द सेम फोल्डर विद द सीपीपी फाइल इज सेव्ड। क्या stdio.hb डी ड्राइव के अंदर है? नहीं। तो टेक्निकली इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्यों? क्योंकि पहले वो सेम फोल्डर में ढूंढेगा, लेकिन नहीं मिलेगा तो वो कहाँ ढूंढता है? इंक्लूड फोल्डर में। अब इंक्लूड फोल्डर में आपको दिखाऊं, जब आपने पहली बार कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल किया तो सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में कोड ब्लॉक्स नाम का एक फोल्डर बन गया है दोस्तों। अब कोड ब्लॉक्स में BingW कंपाइलर होता है, जिसमें देखिए एक फोल्डर इंक्लूड फोल्डर। तो जितनी भी बिल्ट इन हेडर फाइल्स हैं वो किसके अंदर है फ्रेंड्स? दोस आर पार्ट ऑफ इंक्लूड फोल्डर। तो टेक्निकली पहले सिस्टम करंट फोल्डर में ढूंढेगा, नहीं मिलने पे इंक्लूड में ढूंढेगा, यानी यहां ढूंढेगा। तो अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि भाई व्हेन टू यूज डबल को, व्हेन टू यूज एंगल ब्रैकेट्स।
to inform compiler that search specified header file directly inside include folder of the compiler. तो कंक्लूजन निकला कि जितनी भी बिल्ट इन हेडर फाइल्स है उनके लिए डबल कोट्स वर्क करेगा, लेकिन बेनिफिट नहीं है क्योंकि हमें पता है कि वो करंट फोल्डर में नहीं, वो किस में इंक्लूड फोल्डर में। हालांकि डबल कोट यहाँ भी वर्क कर जाएगा क्योंकि पहले वो करंट फोल्डर में ढूंढेगा फिर वो इंक्लूड फोल्डर में ढूंढेगा। और हमने कहा जैसे फॉर एग्जाम्पल डेनिस रिची, तो डेनिस रिची की लेंथ आ गई, लेकिन क्योंकि हमें पता है ये हेडर फाइल किसके अंदर है, इंक्लूड फोल्डर के अंदर, तो बेटर कि हम क्या यूज करें, एंगल ब्रैकेट्स। अब हमसे कैंपस में कहा जाता है कि हम कैसे डिसाइड करें कि हम डबल कोट्स यूज करें या एंगल ब्रैकेट्स यूज करें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एंगल ब्रैकेट्स की खासियत है कि एंगल ब्रैकेट डायरेक्टली कहाँ ढूंढता है, डायरेक्टली ढूंढता है इंक्लूड फोल्डर में। और हमने अभी भी देखा कि जितनी भी हमारी हेडर फाइल्स जो हम यूज करते हैं वो सभी कहाँ सेव की गई है, इंक्लूड फोल्डर में। हमारे किसी फ्रेंड ने कहा सर हम अपनी खुद की हेडर फाइल यहाँ सेव कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल सेव कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली इंक्लूड फोल्डर किसके लिए बनाया गया, बिल्ट इन हेडर फाइल्स के लिए। तो गलती से अगर हमने अपनी हेडर फाइल भी यहाँ सेव कर ली तो हमें तो पता है कि हमारी हेडर फाइल है, लेकिन हमारे टीम मेंबर्स को लगा कि ये भी क्या है, बिल्ट इन हेडर फाइल है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कल को अगर सिस्टम चेंज हो जाता है, यानी मान लीजिए कि वो व्यक्ति दूसरे कंप्यूटर में वर्क कर रहा है, तो उस केस में उसके एंगल ब्रैकेट वर्क ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम में तो टेकडेव इंक्लूड फोल्डर में है, लेकिन जब हम इसी प्रोग्राम को किसी दूसरे मशीन पर चलाएंगे तो फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे व्यक्ति के इंक्लूड फोल्डर में ये वाली फाइल नहीं है। तो बेहतर है कि हम अपनी फाइल्स को कहाँ सेव किया करें, जहाँ पे हमारा प्रोग्राम है, जिससे कि काम आसान हो जाएगा। तो जितनी भी हमारी बिल्ट इन हेडर फाइल्स हैं उनके लिए ये ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम डायरेक्टली इंक्लूड फोल्डर में ढूंढता है। अब हम दूसरा एक और फंक्शन बनाना चाहेंगे, डिजाइनिंग पासवर्ड फंक्शन, एंड देन सेविंग इट इनसाइड हेडर फाइल। तो कल की तरह पहले हम फंक्शन और प्रोग्राम को सेम रखेंगे और फिर बाद में फंक्शन को मूव कर लेंगे। बोथ पासवर्ड फंक्शन एंड प्रोग्राम एंड मेन प्रोग्राम इनसाइड सेम फाइल। लेकिन एग्जांपल सेकंड में क्या होगा फ्रेंड्स, एग्जाम्पल सेकेंड में पासवर्ड फंक्शन इनसाइड किस फाइल में, take.h अवर ऑन हेडर फाइल, एंड देन इंक्लूडिंग इट इनसाइड एनी प्रोग्राम। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मेरे जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो डायरेक्टली रन नहीं होते, पहले वो पासवर्ड पूछते। क्यों? क्योंकि मैंने पासवर्ड नाम के फंक्शन को हेडर फाइल में रखा हुआ है, और जितनी भी मैं प्रोग्राम बनाता हूँ उनमें वो हेडर फाइल को ऐड कर देता हूँ। तो फ़ायदा क्या होता है कि कोई भी प्रोग्राम तभी वर्क करेगा जब हम पासवर्ड सही देंगे। तो पहले हम कल की कोडिंग टाइप कर लें। पहले हमने पासवर्ड का एक प्रोग्राम बनाया था, वो हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे। ये वो प्रोग्राम है दोस्तों जो हमने कल सीखा था, इसको यहां पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। अब तक हम एक ही फंक्शन बनाया करते थे, लेकिन अब हम मल्टीपल फंक्शन सीख रहे। तो मैं अपने दोस्तों को लास्ट टाइम समझा था कि जो भी आप लॉजिक दिख रहे हैं उसे एक ब्रिक समझिए, ब्लॉक समझिए, और उस ब्लॉक को एक नाम दे दीजिए।
तो मैं इस पूरे ब्लॉक को मिटा रहा हूँ दोस्तों, और यहाँ पे इसको भी मिटा देता हूँ मैं, इस पूरे को मैंने मिटा दिया। और यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम देता हूँ पासवर्ड। फंक्शन कॉल, इसे हम फंक्शन को कॉल करना कहते हैं। तो यहां से टेक्निकली मैंने सब कुछ मिटा दिया और हम उस ब्लॉक को एक नाम देते हैं, तो उस ब्लॉक को हम नाम क्या देते हैं, पासवर्ड। तो जो कोडिंग पहले मेन में लिखी थी वही कोडिंग अब हमने किस में मूव कर दी, एक ब्लॉक में जिसका हमने नाम दिया पासवर्ड। अब यहां पे एंटर स्ट्रिंग की जगह हम क्या कर दें, एंटर पासवर्ड। तो जब भी कोई हमारे इस फंक्शन को कॉल करेगा तो लिखा जाएगा एंटर पासवर्ड। अब लूप चलेगा 0 से लेकर लेस देन साइज तक, जैसा कि हमने कल परफॉर्म किया था, हमने लिखा था गेट सी एच। अब गेट सी एच की खासियत क्या है, डोंट डिस्प्ले लेटर व्हाइल टाइपिंग, हम जो टाइप करेंगे उसको शो नहीं करेगा। तो उसकी जगह हम क्या शो करना चाहते थे दोस्तों, स्टार का साइन। अभी मैं यहां पे स्टार दे रहा हूं, तो हम जो टाइप करेंगे वो नहीं दिखेगा, लेकिन हमें क्या दिखेगा, स्टार दिखेगा। अब यहां पे लिखा है एन आई, जो कि कैरेक्टर अरे है। पहले इस कैरेक्टर अरे को हमने बनाया था मेन फंक्शन में, लेकिन अब हम इसे कहां यूज करें, पासवर्ड फंक्शन में। तो सिंपल सी बात है कि जिसको जरूरत है वो फंक्शन डिफाइन करेगा। तो पासवर्ड फंक्शन को एक वेरिएबल डिफाइन है एंड रिक्वायर्ड है, ऐसे यहाँ पे एक वेरिएबल आई यूज हो रहा है। इनको हम करें लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स का मतलब होता है मीन्स पार्ट ऑफ सम फंक्शन। ठीक है, तो इसी फंक्शन में वर्क करेंगे। तो क्या क्या यूज हो रहा है, एक तो एन यूज हो रहा है, एक आई यूज हो रहा है, एक वेरिएबल सी भी यूज हो रहा है दोस्तों, आप देखिए। तो यहाँ पे कैरेक्टर सी भी आ जाएगा। तो टेक्निकली ये प्रोग्राम वही है जैसा कि हमने लास्ट टाइम मेन फंक्शन में बनाया था, बस अब हमने उसका नाम क्या दे दिया, पासवर्ड। अब हमें सोचना पड़ता है कि फंक्शन को कुछ मिलने वाला है या नहीं। तो पिछले प्रोग्राम में हमने एक पैरामीटर एन भेजा था, कैरेक्टर एन भेजा था, लेकिन पासवर्ड नाम के फंक्शन को ऐसी कोई चीज रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहां पे कोई पैरामीटर नहीं आएगा, नो पैरामीटर रिक्वायर्ड। अच्छा, कल जो फंक्शन भेज रहा था वो एक इंटीजर वैल्यू दे रहा था हमें दोस्तों, क्योंकि इंटीजर वैल्यू थी लेंथ की, कितनी लेंथ है। लेकिन आज का जो फंक्शन वो कुछ भी रिटर्न बैक नहीं करेगा। तो यहां पर लिखेंगे वॉइड, तो वॉइड का मतलब है नो रिटर्न वैल्यू, नो पैरामीटर रिक्वायर्ड। वॉइड का मतलब है नो रिटर्न वैल्यू। तो ये फंक्शन कुछ ले भी नहीं रहा है और कुछ रिटर्न भी नहीं करेगा। यहां मैं एक हेडर फाइल और ऐड कर देता हूं दोस्तों, जिसका नाम है stdlib.h। हालांकि हम stdlib.h पहले भी यूज कर चुके हैं। तो हमने पासवर्ड नाम का फंक्शन बनाया और यहां पर हमने पासवर्ड दिया कि पासवर्ड क्या होना चाहिए, cwb। अब पासवर्ड का cwb नहीं है, मीन्स नॉट इक्वल टू cwb। हमें दिक्कतें तब नहीं है जब पासवर्ड मैच कर जाए, हमें दिक्कतें तब है जब पासवर्ड मैच ना करे। तो उसके समय हम चाहेंगे मैसेज क्या लिखा जाए, एक्सेस डिनाइड। और अब हम यहाँ पे रिटर्न नहीं लिख रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ पे लिख रहे हैं एग्जिट। अब डिफरेंस क्या है दोस्तों, इसका काम है टर्मिनेट द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा।
अब मेन प्रोग्राम बन गया और यहाँ पर हम लिखा है पासवर्ड, और अब हम यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने दो नंबर को एडिशन का प्रोग्राम सिखाया था, अच्छी एडिशन का प्रोग्राम बना के मैं ये समझाना चाहता हूँ कि टेक्निकली हमने आज तक जितने भी प्रोग्राम सीखे हैं, बस उनके पहले लाइन में कौन सा फंक्शन कॉल कर लो, पासवर्ड। इससे क्या होगा दोस्तों कि जब जब कोई मेन प्रोग्राम को रन करेगा, क्योंकि ये एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जैसे भी जरा ऑपरेटिंग सिस्टम एंट्री करेगा तो उसकी मुलाकात सबसे पहले किससे होगी, पासवर्ड से। तो हमारा सिस्टम में पासवर्ड वाले फंक्शन के पास लेके चलेगा। अब पासवर्ड वाला फंक्शन में क्या कह रहा है कि भाई कृपया पासवर्ड इनपुट करें, हम कुछ ना कुछ टाइप करेंगे। ये कोडिंग में एक्सप्लेन इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कल हमने इसका फिगर देखा हुआ है, लास्ट में क्या आंसर किया, स्लैश जीरो। और हमने सिस्टम से रिक्वेस्ट की कि सिस्टम क्या पासवर्ड सी डब्ल्यू भी नहीं है? अगर पासवर्ड सी डब्ल्यू भी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें दिक्कत है कभी जब वो सी डब्ल्यू भी ना हो। तो हमने सिस्टम से कहा कि कहीं वो सी डब्ल्यू भी नहीं है तो उसके इसमें सिंपली क्या जाए, एक्सेस डिनाइड, और प्रोग्राम क्या हो जाए, बंद। तो प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। इसको हम सेव कर लेते हैं। तो कौन कौन सी एडिटर फाइल यूज़ हुई, stdio.h, conio.h, इसकी ज़रूरत है, हाँ है, और stdlib की ज़रूरत भी है। इसको हमने कॉपी किया, एक नया फाइल हमने बनाया और उसमें पेस्ट कर दिया और इसे सेव कर लेते हैं। अब इसे कंपाइल किया जाए, सब कुछ ओके है। अब तो उसमें रन कर रहा हूं, तो मैं अनऑथराइज पर्सन हूं तो मुझे तो नहीं पता कि पासवर्ड क्या टाइप करना है। तो मैंने अपना नाम टाइप कर दिया, जैसे मेरा नाम अजय है दोस्तों। तो सिंपली सिस्टम ने क्या कहा, एक्सेस डिनाइड, और यहां पे रिटर्न क्या लिखा है दोस्तों, वन, क्योंकि प्रोग्राम बंद हो गया। तो बैंकिंग सेक्टर में ऐसा ही होता है कि बैंक के जितनी भी एम्प्लॉयज होते हैं, दे हैव अ पासवर्ड, कोई और उसे एक्सेस नहीं कर सकता। तो जहां मैंने एडिशन लिखा है दोस्तों, वहां पे हम आगे चल के बैंकिंग प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे मैं आप लिख सकते हैं प्रिंट है वेलकम इन बाय बैंक या वेलकम इन एक्स वाई जेड बैंक। यहाँ पे मैं एक्चुअली बैंक का नाम नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन हम बैंक का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो जो प्रोग्राम हम एडिशन ऑफ टू नंबर्स के बना रहे हैं, वही आगे चल के हम बैंकिंग एप्लीकेशन के लिए भी बना सकते हैं। और ऐसे टीचर में पासवर्ड फंक्शन एक ही बार सिखा रहा हूँ, लेकिन आप क्योंकि सीख गए हैं तो आप किसी भी प्रोग्राम में इसको ऐड कर सकते हैं। हमने कंपाइल किया और रन किया, अब हम सही पासवर्ड देंगे cwb। तो सिस्टम ने क्या कहा है, वेलकम इन बाय बैंक। अब यहाँ पे हम स्लैश इन यूज़ करते तो और अच्छा रहता। अब मुझसे दो नंबर पूछेगा, मैंने कहा 3 और 4, तो सिस्टम कह रहा है कि सम कितना आएगा, 7। अभी तक हमने हेडर फाइल में एक ही फंक्शन ऐड किया है, लेकिन जैसा कि हमने आपसे कहा कि हम भविष्य में और भी कई फंक्शन ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया था, मेन प्रोग्राम और पासवर्ड फंक्शन साथ में रखा था, लेकिन अब हम चाहें तो उस पासवर्ड फंक्शन को भी यहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो अभी हमने जो पासवर्ड फंक्शन बनाया था उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ये पास फंक्शन है, ठीक। इस पूरे फंक्शन को हमने मूव कर दिया हेडर फाइल में। तो एक तरह की लाइब्रेरी बन गई जिसमें दो फंक्शंस हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लाइब्रेरी में और भी फंक्शंस ऐड होते जाएंगे। अब देखिए यहां पे दोस्तों परेशानी है कि यहाँ पे यूजर है प्रिंट है फंक्शन और क्या यूजर है गेट सी एच फंक्शन, जो कि किसी दूसरी हेडर फाइल के पार्ट हैं। तो एक तरीका है कि हम हेडर फाइल के अंदर किसी दूसरी हेडर फाइल को ऐड कर दें। जैसे हम जानते हैं कि हमें जरूरत पड़ेगी stdio.h की,
और हमें जरूरत पड़ेगी कॉन्वर्टेड एच की। तो कंक्लूजन निकला कि इट इज पॉसिबल टू ऐड हेडर फाइल इनसाइड सम अनदर हेडर फाइल, लेकिन हाली फिलहाल मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं हेडर फाइल में किसी और हेडर फाइल को ऐड नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं डेवलपर हूँ, मुझे पता है कि मैंने हेडर फाइल में क्या क्या हेडर फाइल ऐड किए हैं, लेकिन मेरे टीम मेंबर्स को नहीं पता है। तो टीम मेंबर क्या करेंगे, अपने सीपीपी फाइल में भी हेडर फाइल ऐड कर देंगे, जैसे cppp.htdio.h और यहाँ पे भी htdio.h, तो दो दो पर इंक्लूड हो जाएगा। तो दो दो पर इंक्लूड ना हो से बेहतर है कि हम कहाँ इंक्लूड करें, डॉट सीपीपी में। हालांकि आगे चल के आपको मैं सिखाऊंगा कंडीशनल कंपाइलेशन, कंडीशनल कंपाइलेशन में हम ऐसी कोडिंग करेंगे जिसमें हम अपने सिस्टम से कहेंगे कि हेडर फाइल तभी इंक्लूड करो जब पहले से इंक्लूडेड ना हो। तो हाल ही फिलहाल हम यहाँ पे हेडर फाइल के अंदर कोई और हेडर फाइल ऐड नहीं कर रहे हैं। अब हमें इसको सेव करना होगा, तो हमने इसे सेव कर लिया है। अब हम एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं दोस्तों, फाइल एंड न्यू फाइल, और हम जानते हैं कि इस प्रोग्राम को वहीं सेव करना है जहाँ पे हमने हेडर फाइल को सेव किया है। तो थोड़े देर पर हमने लेंथ एग्जाम्पल प्रोग्राम सीखा था, उसी को मैं किस नाम से सेव कर लेता हूँ, लेंथ एग्जाम्पल टू नाम से। अब यहाँ पे हम किस हेडर फाइल को इंक्लूड कर दें, टेक डीव को। तो फायदा क्या होगा कि टेक डीव के अंदर जो जो है वो हम एक्सेस कर पाएंगे। अच्छा, मेन फंक्शन यहाँ पे क्यों, क्योंकि आज हमें मेन फंक्शन का महत्व समझ में आया। एंट्री पॉइंट फॉर ओएस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो टेक्निकली प्रोग्राम में कई फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट मेन फंक्शन होना चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। तो हमने अभी भी आपको कोडिंग सिखाई, वो कोडिंग हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं दोस्तों और कंपाइल करते हैं। अब जैसे कंपाइल करेंगे तो बहुत सारे एरर्स आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जितनी भी रिक्वायर्ड हेडर फाइल्स है वो मिसिंग है। तो अब हम क्या करें, अपनी हेडर फाइल से पहले जितनी भी रिक्वायर्ड हेडर फाइल्स हैं उनको ऐड कर लें। तो क्यों? बाकी हेडर फाइल्स पहले ऐड की गई हैं, क्योंकि हमारी हेडर फाइल उन पर डिपेंडेंट है, इस कारण से उनको भी पहले इंक्लूड करना जरूरी है, नहीं तो फिर एरर आना शुरू हो जाएंगे प्रोग्राम में। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल किया जाए और रन किया जाए, और जैसे रन किया तो देखिए सबसे पहले क्या पूछे, पासवर्ड CWB। अब कह रहा है अपना नाम डालो, तो मैंने कहा लक्ष्य शर्मा। तो सिस्टम कह रहा है हेलो लक्ष्य शर्मा, आपके नेम में 14 लेटर्स हैं। अब यहाँ पे अगर मैं स्लैश इन का यूज़ करता तो और अच्छा रहता। कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। अपने कुछ भी पासवर्ड डाल दिया तो एक्सेस डिनाइड। तो कंक्लूजन निकला कि अब जितने भी प्रोग्राम आप सीख चुके हैं सभी की प्रोग्राम के पहले लाइन में क्या लगा देंगे आप, पासवर्ड। लेकिन जब जब आपको पासवर्ड फंक्शन यूज करोगे तो कौन सी हेडर फाइल लगेगी, टेक डीव। अच्छा, कितना अच्छा होता कि जब आप अपने नाम से सेव करते, जैसे मेरे किसी फ्रेंड का नाम है अजय, तो आपके बाकी फ्रेंड्स को लगेगा यार पता नहीं उसने क्या किया है। तो टेक्निकली मैं आपके किस नाम से इंक्लूड करें, टेक डीव नाम से। अब हमारे किसी एक फ्रेंड के मन में सवाल आया था, उस सवाल का हम आंसर देखेंगे दोस्तों। तो देखिए कैंपस क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज फॉलोइंग या मैच द कॉलम जिसे कहते हैं। तो कॉलम ए और कॉलम बी, यहां पे हम पहला ऑप्शन दे रहे हैं ब्रेक, दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं रिटर्न, तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं एग्जिट और कोई भी नंबर, और यहां पे हम ऑप्शन दे रहे हैं 1 टर्मिनेट फंक्शन।
terminate program, or 3, terminate loop. अब आप लोग को मैच करें कि किससे क्या मैच होगा, तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं. हमने कुछ दिन पहले ब्रेक सीखा था, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो पता उसको ट्राई करना चाहिए. तो सबसे पहले हम ब्रेक के बारे में जानते हैं. ब्रेक का काम क्या है दोस्तों? टर्मिनेट व्हाट? लूप. तो कंक्लूज निकला कि फर्स्ट का आंसर क्या है? थर्ड. अब कल हमने रिटर्न भी यूज किया था दोस्तों, तो कल हम किससे बाहर आए थे? किसी फंक्शन से बाहर आए थे. तो रिटर्न क्या कहते हैं? किसी फंक्शन से बाहर आता है, प्रोग्राम से नहीं. लेकिन जब कोई गलत पासवर्ड है तो प्रोग्राम को चलना ही नहीं है, तो हम चाहते कि पूरा प्रोग्राम ही बंद हो जाए. तो कभी भी किसी प्रोग्राम को टर्मिनेट करना, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? एग्जिट. तो सबसे पावरफुल कौन है? सबसे पावरफुल है एग्जिट, क्योंकि पूरे का पूरा प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा. तो ब्रेक का काम है लूप को बंद करना, रिटर्न का काम है किसी एक फंक्शन से बाहर आना. जैसे हम देख रहे थे स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन वैल्यू रिटर्न करके दूसरे फंक्शन को वैल्यू दे रहा था. सो रिटर्न विल नॉट टर्मिनेट द प्रोग्राम, रिटर्न विल सिंपली टर्मिनेट द करेंट फंक्शन एंड रिटर्न बैक वैल्यू टू द अनदर फंक्शन. लेकिन कभी कभी हम चाहते हैं कि प्रोग्राम बंद हो जाए, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? एग्जिट. तो चैनल पे पहले से 2 वीडियो अवेलेबल हैं कि हम कैसे किसी स्ट्रिंग में अल्फाबेट्स डिजिट्स स्पेसेस काउंट कर सकते हैं, वो आपको वीडियो देखना है. कभी कभी हम किसी वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं, जिसे हम कहते हैं सीक्वेंशियल लीनियर सर्च, तो वो वीडियो भी हमारे पास अवेलेबल है चैनल पे, वो आपको देखना है, जिसका लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा. हमारा आज का अंतिम टॉपिक रहेगा दोस्तों सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट पैटर्न्स. और मैंने एक पैटर्न में दोस्तों कुछ ऐसा दिया था, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 1, 3 4 5 1 2. डिस्कस हो चुका शायद, नहीं ठीक है. फिर 4 5 1 2 3 और फिर 5 1 2 3 4. तो ये पैटर्न में डिस्कस करें कि कैसे हम इस पैटर्न को डिजाइन कर सकते हैं. तो पहले हमें सोचना आना चाहिए कि कैसे इसको हम सोचेंगे, और एक बार हमें सोचना है तो इसकी प्रोग्रामिंग बड़ी आसान हो जाएगी. अब इसी के बेसिस पर हम अल्फाबेट्स का भी प्रोग्राम बना सकते हैं. तो हमें सोचना है कि कैसे इस पैटर्न को डिजाइन करना है. तो जितने भी पैटर्न्स होते हैं उनमें हमें सिमेट्री देखनी पड़ती है. सिमेट्री क्या है? सिमेट्रिक देखना पड़ता है, कितना सिमेट्रिक है. 1 2 3 4 5 2 3 4 5 3 4 5 4 5 5, ये पैटर्न सिमिलर है. अब एक वेरिएबल हम आई मान लेते हैं जो रोज को ट्रेवल करेगा, और एक वेरिएबल हम जे मान लेते हैं दोस्तों. तो पहले 1 से लेके 5 तक गए, फिर 2 से 5, फिर 3 से 5. तो पहली बार हम आई की वैल्यू मान लेते हैं 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3, फिर 4, 5. तो हमें आई का लूप चलाना है 1 से लेके 5 तक, आई प्लस प्लस. अब हमें प्लान करना है जे के बारे में. अब देखिए, पहले आई 1 था तो जे 1 से शुरू हुआ, आई 2 था तो जे 2 से शुरू हुआ, आई 3 था तो जे 3 से शुरू हुआ, फिर 4 और 5. तो टेक्निकली जे जो है वो डिपेंडेंट है किस पे? आई पे. तो जे शुरू होगा आई से. अगर आई बने तो 1 से शुरू होगा, 2 तो 2 से शुरू होगा, लेकिन जा कहां तक रहा है? 5 तक, और जे प्लस प्लस. तो पहले 1 से 5, फिर 2 से 5, फिर 3 से 5, 4 से 5, 5 से 5. और हमें प्रिंट करना है दोस्तों, हमें प्रिंट करना है परसेंट डी, और किसे? जे को. लेकिन हम देख रहे हैं कि यहां पे एक और पैटर्न हमें दिख रहा है.
इस पैटर्न को देखिए, यहाँ पे लिखा रहा है वन, यहाँ लिखा रहा है वन टू, यहाँ वन टू थ्री, यहाँ वन टू थ्री फोर, यानी यहाँ पे एक नया पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल के मान लेते हैं, ये चल रहा था आई टू फाइव तक, लेकिन हमारा जो नया वेरिएबल के देखिए वो हमेशा वन से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे आई टू तो वन से वन तक गया, यहाँ आई थ्री तो वन से लेके टू तक गया, यहाँ फोर है तो वन से लेके थ्री तक गया, और यहाँ पे फाइव है तो फोर तक, यानी टेक्निकली वो कहाँ तक जा रहा है, आई माइनस वन तक, क्योंकि फाइव होगा तो फोर तक जाएगा, फोर होगा तो थ्री तक। तो टेक्निकली में एक और लूप चाहिए के, जो वन से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, लेस देन इक्वल टू आई माइनस वन, या सिंपली मैं लेस देन आई लिख सकता हूँ, और के प्लस प्लस, क्योंकि दोनों का मतलब सेम वही है, लेस देन फाइव मतलब फोर, लेस देन फोर मीन्स थ्री, एंड सो ऑन। और हमें किससे प्रिंट करना है दोस्तों, हमें प्रिंट करना है आपकी बार के को। अब लाइन चेंज होनी है, तो लाइन चेंज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रिंट एफ स्लैश एन, क्योंकि लाइन हमें चेंज करनी है अब, और हमें अंतिम कैलिब्रेशन बंद करना है, और वो अंतिम कैलिब्रेशन किसका होगा, हमारे मेन लूप का, यानी आई वाले लूप का। तो यहाँ पे हमने कैलिब्रेशन क्लोज कर दिया, यहाँ पे अंडरस्टूड कैलिब्रेशन हमने क्लोज किया है, ये इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। और हमने क्या क्या वेरिएबल यूज किए, आई जी और के। तो कंक्लूजन निकला कि यहाँ पे हमने पैटर्न को दो पार्ट में ब्रेक किया, पहले अपर पोर्शन और फिर लोअर पोर्शन। अपर पोर्शन जा रहा था आई से फाइव तक, और लोअर पोर्शन वन से फाइव तक। अब हम इसी लाइन की अगर हम बात करें, अब इस लाइन को अगर मैं लिख दूं प्रिंट एफ परसेंट सी 64 प्लस जे, तो टेक्निकली क्या प्रिंट होंगी, अल्फाबेट्स। ऐसे इस लाइन को लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ परसेंट सी 64 प्लस की। तो जो हमने आपको असाइनमेंट दिया था अल्फाबेट्स का, वो भी इससे अचीव हो जाएगा।